तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आ गया हूँ अपने गांव से कुछ दूरी पर, एक ऐसे जगह पर जहाँ पर अभी दुर्गा पूजा का मेले की तैयारी हो रहा है, क्योंकि आज शायद पांचवा पूजा चल रहा है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेला में जो यहाँ पर सारा खेल का है, सर्कस है, इधर नाव है, इधर गाड़ी वाला है, सब कुछ यहाँ पर अभी रेडी किया जा रहा है। आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में यही दिखाने वाला हूँ मेला से पहले का सीन, क्योंकि अभी मेला नहीं लगा है, तो अभी यहाँ मेला का तैयारी चल रहा है। जब मतलब जिस दिन दसवीं का मेला हो जाएगा, दसवीं वाला मेला, जिस दिन रावण जलेगा, रावण का पुतला दहन किया जाएगा, उस दिन यहाँ पर सारा जितना भी नाव है, ये गाड़ी सब है, ये सब चीज यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर सेट किया जा रहा है, तो आज मैं आप लोगों को ये सेट करते हुए कुछ मेले का सीन दिखाऊंगा। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो चलिए मैं अब इस ब्लॉग को जल्दी से शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मेले में इतना सामान आता है, इतना ज्यादा सामान आता है अलग अलग तरह से, आप लोग देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे, क्योंकि अभी जो है दो साल से मेला नहीं लगा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब मेला लगेगा दसवीं के दिन। अभी तो यहाँ पर सब कुछ सेट ही किया जा रहा है, दसवीं के दिन मेला लगेगा तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाऊंगा और उसमें मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर इस मेले में कितना ज्यादा सामान आता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस मेला का लोकेशन बता देता हूँ, ये है झारखंड का गोड्डा जिला। गोड्डा जिला में ये है महागामा, और महागामा में ये है ऊर्जा नगर, मतलब ऊर्जा नगर में ये मेला लग रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग जरूर आइए मेला गाइस, यहाँ पर बहुत ही धुआंधार मेला लगने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गौरी सर्कस का कैंप लगाया गया है। जिस दिन मेला स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इसके अंदर में सर्कस दिखाया जाएगा। इसके अंदर में अभी काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी आज पांचवी पूजा चल रही है, तो अभी यहाँ पर सब कुछ अंदर में सेट ही किया जा रहा है। जिस दिन मतलब दसवीं का होगा पूजा, तो उस दिन यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा अंदर में, सर्कस वर्कस। और यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर एंगल सब में पेंट किया जा रहा है, अभी मतलब रेडी नहीं किया गया है। भाई क्या आप लोग मतलब बता सकते हैं कि कहाँ से आया ये वाला सर्कस, गौरी सर्कस कहाँ से, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, कहाँ से आया है मालूम नहीं है। तो ये मतलब ये किसका है, ये किसमें लगेगा, झूले में? अच्छा, तो गाइस देखिए यहाँ पर ये जो पेंट किया जा रहा है, ये एंगल तारामाची का है, इसमें वो यहाँ पर अभी पेंट किया जा रहा है, ये तारामाची का एंगल है, तारामाची में लगेगा एंगल। यहाँ पर कुछ ने इसमें सब पेंट कर दिया है, और शायद ये बैरियर लग रहा है हमको, ये है तारामाची का वो चक्री बड़ा सा जिसमें सब झूले को यहाँ पर सेट किया जाता है। और ये रहा तारामाची का कटोरी जिसमें सब लोग बैठते हैं, ये वाला है कटोरी जिसमें सब लोग बैठते हैं और झूलते हैं तारामाची का। तो अभी कुछ भी सेट नहीं किया गया है। आइए मैं आप लोगों को नाव का दिखाता हूँ यहाँ पर किस प्रकार से सेट किया जा रहा है नाव। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अभी उधर गौरी सर्कस का कैंप दिखाया, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर नाव का जो झूला है ये किस प्रकार से यहाँ पर सेट किया जा रहा है। देखिए ये वाला नाव का झूला है यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये मतलब कहाँ से आया है? ये महागामा का ही है। तो गाइस देख सकते हैं ये जो नाव है, ये वाला झूला, ये महागामा से ही है। अच्छा, ये दोनों आप लोगों का है। तो मतलब यहाँ पर जो मेला लग रहा है यही का है ये नाव, और बगल में ये तारामाची है, इसका भी ये भी लगेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर नाव को सेट किया जा रहा है, और ये वाला जो देख रहे हैं ये है ब्रेकिंग डांस का। तो अभी ये भी लगभग ये लगभग सेट कर दिया गया है, कुछ काम बाकी होगा इसमें भी। तो गाइस मैं अभी चढ़ रहा हूँ इस ब्रेकिंग डांस पर, देखते हैं वहाँ से कैसा लगता है देखने में, आप लोगों को दिखाऊंगा ऊपर से। तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस कितना मस्त लगता है देखने में। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर एक मूर्ति भी रहता है यहाँ पर, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर ऐसे ही गोल सा है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस पे बैठा जाता है, और ये पूरा जैसे पूरा ये चक्री गोल गोल घूमता है, और इस पे यहाँ पर इस पे बैठा जाता है। ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा सा भयान है, और इस पे बैठा जाता है, और ये पूरा ही घूमता है। जब चलता है ना तो बहुत ही मजा आता है देखने में गाइस। जिस दिन चलेगा मेले वाले दिन, जिस दिन यहाँ पर मेला लगेगा यहाँ पर, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रहा हूँ यहाँ से, कितना प्यारा लग रहा है अभी से ही, लेकिन जब चलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। इसमें लाइट भी लगी है, अभी लाइट तो जलाया नहीं गया है ना ही, और सब चीज किया गया है, धीरे धीरे सब काम हो रहा है यहाँ पर, अभी कंटिन्यू है। फ्रेंड्स ये है ऑर्केस्ट्रा का स्टेज, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के स्टेज को रेडी किया जा रहा है।
लगभग रेडी हो गया है। कुछ यहाँ पर चीज बचा है, लाइट वाइट का व्यवस्था किया जा रहा है, तो जल्दी ये भी एकदम रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस दिन मेला लगता है दसवीं वाले दिन यहाँ पर आर्केस्ट्रा होता है। तो फ्रेंड्स ये है ऊर्जा नगर का राजेंद्र स्टेडियम, इसी में यहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। जैसे मैं आया यहाँ पर तो अभी रावण तो नहीं बन रहा है, कुछ दिनों बाद बनना स्टार्ट होगा। आज तो पांचवी पूजा चल रही है, इसलिए शायद नौवां या दसवां पूजा को स्टार्ट करेगा रावण बनाने के लिए। और यहाँ पर पटाखा भी यहीं पर बनाया जाता है। तो गाइस चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी उतना कुछ मेला में है नहीं, अभी तो लग ही रहा है। लेकिन हाँ याद रहे, अभी असली मेला तो बाकी है गाइस, ठीक है। तो मैं इसके बाद आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा। तो मेला वाले दिन जिस दिन दसवीं का पूजा होगा, जिस दिन यहाँ पर रावण जलेगा, तो आप लोग वेट करना उस ब्लॉग का। तब तक आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। चलिए ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, बाय बाय गाइस।